हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान टीपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोबल पुरस्कार 2019 की, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नोबल पुरस्कारों की। केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के नोबल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और वर्ष 2019 के लिए केमिस्ट्री का नोबल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसमें यूएसए के जॉन बी गुडिनफ और यूके में जन्मे यूएसए के एम स्टेनली विटिगम तथा जापान की अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से लिथियम आयन बैटरी के योगदान हेतु वर्ष 2019 के केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के नोबल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में 1901 से शुरू हुए नोबल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। ये मुख्यतः 6 भागों में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कारों में मेडिसिन अर्थात चिकित्सा के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसके बाद फिजिक्स अर्थात भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई, उसकी भी मैं ट्रिक आपको दे चुका हूँ, उसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसका वीडियो मैं आज लेकर आ रहा हूँ, तथा आज ही मैं आपको साहित्य के पिछले वर्ष अर्थात 2018 और 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की फुल डिटेल के साथ वीडियो दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तीनों वैज्ञानिक अर्थात जॉन गुड इनफ, एम स्टेनली विटिगम और अकीरा योशिनो, इनको संयुक्त रूप से लिथियम आयन बैटरी के विकास हेतु उनके योगदान हेतु रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में मैं इसको एक याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, इन पुरस्कारों को देते हुए नोबेल कमेटी ने कहा कि रसायन विज्ञान 2019 का नोबेल पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास को पुरस्कृत करता है। यह हल्की रिचार्जेबल और शक्तिशाली बैटरी अब मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक सब कुछ में उपयोग की जाती है और सौर और पवन ऊर्जा से महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा का भंडारण भी कर सकती है, जिससे एक जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज संभव है। इन वैज्ञानिकों के प्रयोग ने हमें एक रिचार्जेबल दुनिया दी है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी क्या होती है? देखिए, ये आप लिथियम क्या होता है दोस्तों? लिथियम एक रासायनिक तत्व है, जिसका रासायनिक दृष्टि जो कि रासायनिक दृष्टि से यह क्या है, क्षार धातु का समूह है, जिसका एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु भार 6.941 है। साधारण परिस्थितियों में प्रकृति की सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ भी है। दोस्तों, इसे पीरियोडिक टेबल के पीरियड 2 में एस ब्लॉक में स्थान दिया गया है। लिथियम का प्रयोग न्यूक्लियर फिजिक्स में भी किया जाता है। दोस्तों, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 2016 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना इसके सबसे बड़े उत्पादक देश भी हैं। तो आपको इतना ही काफ़ी है इसके बारे में जानने के लिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में वर्ष 1901 से शुरू नोबल पुरस्कारों में 1901 में रसायन शास्त्र का जो पहला नोबल पुरस्कार था वो एक डच वैज्ञानिक जैकब हेनरिक्स को उनके प्रभावशाली कार्यों रासायनिक कैनेटिक्स, रासायनिक संतुलन, रासायनिक उष्मागति के आधुनिक सिद्धांतों को खोजने के लिए दिया गया था। उन्हें भौतिक रसायन विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, दो बार का रसायन का पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर हैं, जिन्हें 1958 और 1980 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1935 में 35 वर्ष की आयु में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले फ्रेडरिक जोलियट सबसे यंगेस्ट पुरस्कार विजेता हैं, तथा इसी वर्ष
1970 की आयु अर्थात 97 वर्ष की आयु में रसायन शास्त्र का पुरस्कार प्राप्त करके जॉन गुडिनफ सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तमिलनाडु में 1952 में जन्मे वेंकेट रमन रामकृष्ण इंडो अमेरिकन नागरिक हैं जिन्हें 2019 में कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए रासायनिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें भारत सरकार द्वारा भी वर्ष 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं आज की ट्रिक की। दोस्तों आज की ट्रिक है हमारे बॉलीवुड के दो सुपरस्टार अक्षय कुमार और जॉन इब्राहम के ऊपर। आप सभी जानते हैं अक्षय कुमार को अक्की के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम ने देसी बॉयज, हाउसफुल 2, गरम मसाला जैसी 10 अर्थात 10 से ज़्यादा मूवियाँ दी हैं बॉलीवुड को। तो इसी पर हमारी आज की ये ट्रिक डिपेंड है। हमने जॉन गुडिनफ के नाम से हमने जॉन शब्द निकाला है। अकीरा येसुनी जापान के वैज्ञानिकों के नाम से अकीरा यानी अक्की नाम निकाला है। और स्टेनली विटिगम के नाम से हमने टैन नाम निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि जान और अक्की की केमिस्ट्री, जॉन और अक्की की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इन दोनों ने 10 से ज़्यादा मूवी में काम किया है और सभी इनकी मूवी हिट रही हैं। यानी जॉन और अक्की की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इन्होंने 10 मूवी से ज़्यादा बॉलीवुड में काम किया है और इनका जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी ट्रिक। ठीक है, ये था हमारा आज का एनालिसिस केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और भी ऐसी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।